ओके, सो सेवेंथ क्वेश्चन तक हम आ गए हैं. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ आपको जो भी बताओगे आप उसको वैलिडेट करना है सच में रियल लाइफ एग्जांपल से. सिर्फ स्ट्रेंथ के नाम पे आप बता नहीं सकते कि मुझे 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 फिटनेस का सर बड़ा शौक है, लेकिन आपका खुद हेल्थ बिगड़ा हुआ है, तो फिर तो मैच नहीं हो रहा है ना. तो अगर आप फिटनेस बोल रहे हो तो वो मैच होना चाहिए, ठीक है. सो अगर आप कम्युनिकेशन एज योर स्ट्रेंथ बता रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन जेन्युइनली अच्छा होना चाहिए, या फिर आप उस पर प्रयास कर रहे हो वो दिखना चाहिए. आपको स्टोरी बताना है कि अगर मुझे कोई मेरी स्ट्रेंथ पूछे तो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ नेचुरल फिटनेस है, एंड बिकॉज आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मैनी हाफ मैराथन्स. मैं दिल्ली, मुंबई, गोवा, हैदराबाद बहुत जगह गया हूँ हाफ मैराथन दौड़ने के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है वो. तो ये मुझे मेरी एक स्ट्रेंथ लगती है, जहाँ पे लोगों को बहुत अपने आप को पुश करना पड़ता है फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए. मैं ये सारी नेचुरल एक्टिविटी करके ही काफ़ी ज़्यादा फिट रहता हूँ. इसके अलावा मेरा एक और स्ट्रेंथ है जो मुझे लगता है, पब्लिक स्पीकिंग, कि अगर मुझे किसी को कुछ बताना है, कन्वे करना है, तो हिचक मेरे अंदर अब उतनी नहीं रही है. पहले तो बहुत होती थी, बहुत डर लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर काम करते 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 वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक पर्सन को अगर समझा सकता हूँ तो अगर 100 भी रहेंगे तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है. तो इस तरीके से आपको अपने स्ट्रेंथ को बताना है. तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रेंथ लिस्ट कर रहा हूँ, आप इनमें से देखो आपकी जो स्ट्रेंथ है आप वहां पे उसको बता सकते हो विद एग्जांपल्स. हाँ, विद एग्जांपल्स तब आपको आपकी स्ट्रेंथ वो मानी जाएगी और सही लगेगा. अब आते हैं वीकनेसेस पे. अच्छा, वीकनेसेस कौन कौन सी होती हैं? नॉर्मल मैं आपको वीकनेसेस बता सकता हूँ. जैसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारे लोगों को वीकनेसेस होती है कि टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता, वो चाहते हैं दिल से बट हो नहीं पाता. जैसे सोशल मीडिया को लेकर के बहुत वीकनेसेस होती है भाई साहब, मतलब लोग नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते देखते 2-3 घंटा निकाल देते हैं. आप बता सकते हो कि यार ये मेरी वीकनेस है सर, कई बार मैं शॉर्ट्स में देखते देखते ऐसे खो जाता हूँ. मल्टीटास्किंग करने की बहुत आदत होती है, मुझे बहुत है. मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो कई बार मैं एडिटिंग के बारे में सोचने लगता हूँ, तो वो घूमने लगता है. तो हमें वो भी हमारी एक वीकनेसेस हो सकती है. तो इस तरीके से जो आपकी वीकनेसेस हैं, बट वो वीकनेसेस याद रखो आपके काम को नहीं इम्पैक्ट करनी चाहिए. आप जॉब कर रहे हो या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो टेलीकॉलिंग की, और आप बता रहे हो कि मेरी वीकनेसेस ही कम्युनिकेशन है, तो ये तो मैच ही नहीं होगा. अच्छा, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप बता रहे हो मुझे क्रिएटिविटी नहीं आती, तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, ब्लंडर हो रहा है ना यहाँ पे. तो वो तरह की चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है. बट याद रखो ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने पहले से, है ना. सो यहाँ पे मैं कुछ वीकनेसेस भी लिस्ट कर रहा हूँ. आप यहाँ पे देखो ये वीकनेसेस लिस्ट हो रही हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो जो आप फील करते हो कि हाँ यार ये मेरी वीकनेसेस है. तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं. ऑनेस्टली बताओ कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेसेस है, और 100% मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगा. सो एक बार आपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस प्रिपेयर कर ली, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट अब एंड वाले की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई शुड वी हायर यू. भाई काहे हम हायर करें आपको, क्यों? तो उसका आंसर कैसे देना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आ जाओ उस वीडियो में, उस पे उसको भी प्रिपेयर कर ले. देखो अब इंटरव्यू क्रैक करना है ना, मिलके प्रिपेयर करेंगे, पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि इंटरव्यू कहीं जाना नहीं चाहिए. ठीक है, ये तो क्रैक होना ही चाहिए. ठीक है, चलो फिर आ जाओ इस वीडियो में.